हाय गाइज, वेलकम टू टेलीस्टॉक न्यूज 24। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विकास लाइफ केयर कंपनी के शेयर प्राइसेस के बारे में। आखिर हमें स्टॉक में क्या कुछ देखने को मिल सकता है और जो कंपनी के शेयर प्राइसेस लगातार डाउन ट्रेंड में क्यों हैं और क्या ये स्टॉक 2x, 3x, 4x, 5x हो सकता है। सब चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। बात करें विकास लाइफ केयर की तो आप देखोगे पिछले एक साल में तकरीबन 72% के रिटर्न हमने देखने को मिले हैं। वहीं पिछले आप 6 महीने से देखोगे तो लगातार जो कंपनी के शेयर प्राइस है वो हमें डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहे हैं। अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स देखें तो मार्केट कैप 928 करोड़ का है, बेसिकली पेनी स्टॉक है। एक हाई 52 वीक हाई 8 और 52 वीक लो रहा है 3 रुपये। स्टॉक पी 50 के आसपास है, बुक वैल्यू 3 रुपये के आसपास है। आरओई बहुत कम है, आरओसीई बहुत कम है। पिछले 3 साल को देखें तो कंपनी की सेल्स 81% के हिसाब से ग्रो हुई है। डेप्ट 34 करोड़ है, पर डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखा तो डेप्ट का कोई भी दबाव नहीं है। इंडस्ट्री पीई 35-36 के आसपास ट्रेड कर रही है। प्रमोटर्स होल्डिंग मात्र 12% है, बहुत ही कम। अगर हम इन्वेस्टर्स में आएंगे और प्रमोटर्स देखेंगे तो 12% है। किसी भी कंपनी को चलाने के लिए प्रमोटर्स की जरूरत होती है और 50% से ज़्यादा प्रमोटर्स किसी कंपनी में मतलब कि अच्छा संकेत माना जाता है, पर 50% से कम चिंता का विषय होता है, क्योंकि पूरे कंपनी की मात्र 12% हिस्सेदारी, तो कौन प्रमोटर्स इंटरेस्टेड होंगे कंपनी को चलाने में। वहीं आप देखोगे FIIs ने अपना अच्छा स्टेक बना लिया है। दिसंबर 2023 क्वार्टर के बाद तकरीबन 4% की हिस्सेदारी है। वहीं पब्लिक के पास तकरीबन 83% की हिस्सेदारी है विकास लाइफ केयर की। अब एक बार कंपनी के देखते हैं नतीजे। आप देखोगे कंपनी के क्वार्टर से ये कंपनी ने आप देखोगे दिसंबर 2023 के क्वार्टर में भी लॉस बुक किया है, मतलब कि लॉस में रही है, और अब मार्च 2024 के क्वार्टर में भी लॉस में रही है। वहीं अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो कंपनी की सेल्स हैं लगातार इंक्रीज तो हुई है। 2021 से भी 2022 में देखोगे 75 से 301, फिर 2023 में 476 करोड़ की सेल, फिर 2024 में सेल्स कम हुई है। वहीं आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखोगे 2% से मात्र 1%, यानी इस बार के जो कंपनी के नतीजे उतने सही नहीं रहे हैं। अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे 2023 में 16 करोड़ का लॉस था, जो कि 2024 में 13 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। पर आप यहां देखोगे 446 करोड़ की सेल, जिसमें एक्सपेंसेस 442, मानी बचे टोटल 4 करोड़ 446 का 4 करोड़ कितना बचा, 1%, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो गया 1%। जो कंपनी ने नेट प्रॉफिट दिखाया ये अपना अदर इनकम से दिखाया है। आप देखोगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स 17 और नेट प्रॉफिट 13। जो कंपनी ने इनकम दिखाई है अपनी अदर जो भी अदर इनकम है कंपनी ने वहां से अपनी इनकम दिखाई है। बाकी आप देखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है, और अगर देखोगे तो सेल्स भी कम हुई हैं। वहीं अगर हम देखते हैं बैलेंस शीट पे तो कंपनी लगातार अपने रिजर्व्स बढ़ा रही है, पॉजिटिव पॉइंट है। कैश फ्लो कंपनी का पॉजिटिव है। इन्वेस्टर्स की बात करें तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स देखोगे आप प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत कम है। भाई आप क्वार्टर्स देखोगे तो कंपनी के जो नतीजे हैं क्वार्टर्स रहे हैं ये फिलहाल के सही नहीं जा रहे हैं। अगर आप देखोगे किसी भी शेयर के चलने का पीछे का रीज़न होता है कंपनी का परफॉर्मेंस, कंपनी कैसा परफॉर्मेंस दे रही है। अगर कंपनी एक क्वार्टर ख़राब जाता है तो हम जज नहीं कर सकते, पर 2-3 क्वार्टर ख़राब जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस कंपनी में कौन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा और कहाँ से उस कंपनी के शेयर प्राइस चलेंगे। इसी वजह से आप देखोगे पिछले 6 महीने से जो हमें कंपनी के शेयर प्राइस है वो हमें डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल आप देखोगे ये आप चार्ट देख रहे हो बंडे टाइम फ्रेम पर, लगातार जो विकास लाइफ केयर के शेयर प्राइस है वो डाउन ट्रेंड पर है। बेसिकली जो कंपनी के शेयर प्राइसेस है वो कंपनी के रिजल्ट्स पर निर्भर करते हैं। अगर कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे तो हमें इसी तरीके का डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें 2x 3x 4x 5x, तो अगर इस तरीके के नतीजों के साथ पॉसिबल नहीं लग रहा। आप देखोगे अगर यहाँ आप चाहते हो कि मतलब कि हमें 2x रिटर्न देखने को मिले, यानी यहाँ 11 रुपये हो जाए, तो कम से कम 2000 का मार्केट कैप, 1900 करोड़ का मार्केट कैप चाहिए। पर अगर कंपनी परफॉर्मेंस ही अच्छा नहीं कर रही तो कौन इन्वेस्ट करेगा, कहाँ से कंपनी के शेयर चलेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले बता दूँ ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, इस वीडियो में कोई भी बाय और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।